पंजाब में स्मोग और फॉग के डेरे, हद निगाह इंतहाई कम, मोटरवे M2 और M4 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद, हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। फिजाई आलूदगी खतरनाक हदों को छूने लगी, स्मोक के बायस पंजाब के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस 17 नवंबर तक बंद, अकेडमीज ट्यूशन सेंटर्स भी नहीं खुलेंगे, क्लासेस ऑनलाइन लेने का हुक्म, सरकारी और निजी दफातर के 50% अमले को वर्क फ्रॉम होम का हुक्म, लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, भावलपुर और दीगर शहरों की फजा जहर आलू, सांस, गले और निमोनिया के मरीजों में इजाफा। भारत से ताल्लुकात सवारे जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती, तमाम पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हमने किसी के साथ ताल्लुकात बिगाड़ कर क्या करना है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान जरूर आना चाहिए था, नवाज शरीफ का पाक अमेरिका बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश का भी इजहार, लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कोई एक मंसूबा बताएं जो PTI ने दिया हो, कहा है 1.5 अरब दरख्त और 50 लाख नौकरियां, इन्होंने सिर्फ बदतमीजी के कल्चर की बुनियाद रखी, मईशत की बेहतरी के लिए शहबाज शरीफ की तारीफ, कहा मरियम नवाज के इकदाम के बाद महंगाई मुसलसल नीचे आ रही है। भारतीय मौकिफ माना तो इंडिया से चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेलेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ICC को खत, भारत के इनकार की तहरीरी कॉपी फराहम करने का मुतालबा, मेजबानी पर कोई समझौता नहीं, इवेंट पाकिस्तान में ही कराने पर जोर, इंडिया की दीगर टीमें आ सकती हैं तो क्रिकेटर्स का आना क्यों मुमकिन नहीं, PCB का सवाल, वजीर आजम की वतन वापसी पर आला सतह इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। माहौलियाती तब्दीलियां बड़ा चैलेंज, जंगी बुनियादों पर इकदामात ना किए गए तो तबाहकुन असरात होंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी को आगाह कर दिया, बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस ग्लोबल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा चैलेंजेस से निमटने के लिए 2030 तक 6,800 अरब डॉलर की जरूरत है, खसूसी फंड मुख्तस किए जाए, तरक्की पजीर ममालिक मुश्किलात का शिकार, अमीर मुल्कों को मदद के लिए आगे आना होगा, अक्वाम मुतहदा के फ्रेमवर्क पर चलना नागुजीर है, पाकिस्तान 2 बदतरीन सैलाब की तबाहकारियां भुगत रहा है, अब तक नुकसानात से बाहर नहीं निकल सके, आलमी ताकतें अपने वादे पूरे करें, तकरीब से खिताब में मजीद कहा ग्लेशियर्स पीने के पानी का बड़ा जरिया है, मुस्तकबिल में आबी जखायर का तहफुज करना होगा। कराची एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के लिए मजीद इकदाम का फैसला, प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर्स और गाड़ियों को हदूद में दाखिले की इजाजत नहीं होगी, दाखिली रास्तों पर आहनी दरवाजे लगाने की भी तजवीज, एक मुसाफिर के साथ सिर्फ एक शख्स एयरपोर्ट जा सकेगा। गजा में इंसानी हालात संगीन सूरत हाल से दो चार, इजाफी इमदाद और खुराक के मजीद ट्रकों की जरूरत, तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा कहते हैं कि गजा में जंगबंदी के लिए ताहाल पुर उम्मीद हैं, यरगुमालियों की रिहाई के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। और चर्च में जिंसी तशद्दुद सामने लाने में नाकामी पर चर्च ऑफ इंग्लैंड के जस्टिन वेल्बी मुस्ताफी, खबर एजेंसी के मुताबिक उन पर चर्च में जिस्मानी और जिंसी खिलाफ वर्जियों की बरवक्त इतला ना देने पर दबाव था, जस्टिन वेल्बी का कहना था कि मेरा अलहदा हो जाना चर्च के मफाद में है। पंजाब में स्मोग और फोग के डेरे, हद निगाह इंतहाई कम, मोटरवे M2 और M4 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद, हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। फजाई आलूदगी खतरनाक हदों को छूने लगी, स्मोक के बायस पंजाब के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस 17 नवंबर तक बंद, अकेडमीज ट्यूशन सेंटर्स भी नहीं खुलेंगे, क्लासेस ऑनलाइन लेने का हुक्म, सरकारी और निजी दफातर के 50% अमले को वर्क फ्रॉम होम का हुक्म, लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सर फहरिस्त, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, भावलपुर और दीगर शहरों की फजा जहर आलूद, सांस, गले और निमोनिया के मरीजों में इजाफा, SOPs की खिलाफ वर्जियां, मास्क की पाबंदी नजरअंदाज, खैबर पख्तूनख्वा पर भी स्मोक की अलगार, पेशावर, नौशहरा और मर्दान में शरह बढ़ गई, मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, ट्रेन की आमदरफ्त में भी ताखीर।
भारत से ताल्लुकात सवारे जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती। तमाम पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हमने किसी के साथ ताल्लुकात बिगाड़ कर क्या करना है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान जरूर आना चाहिए था। नवाज शरीफ का पाक अमरीका बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश का भी इजहार। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कोई एक मंसूबा बताएं जो पीटीआई ने दिया हो। कहा है 1.5 अरब दरख्त और 50 लाख नौकरियां। इन्होंने सिर्फ बदतमीजी के कल्चर की बुनियाद रखी, नौजवानों को गाड़ियों के पीछे भागने पर लगा दिया। मईशत की बेहतरी के लिए शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा मरियम नवाज के इकदाम के बायस महंगाई मुसलसल नीचे आ रही है। भारतीय मौकिफ माना तो इंडिया से चैंपियंस ट्रॉफी का मैच कहीं नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी को खत, भारत के इनकार की तहरीरी कॉपी फराहम करने का मुतालबा। मेजबानी पर कोई समझौता नहीं, इवेंट पाकिस्तान में ही कराने पर जोर। इंडिया की दीगर टीमें आ सकती हैं तो क्रिकेटर्स का आना क्यों मुमकिन नहीं। पीसीबी का सवाल, वजीर आजम की वतन वापसी पर आला सतह इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। माहौलियाती तब्दीलियां बड़ा चैलेंज, जंगी बुनियादों पर इकदामात ना किए तो तबाहकुन असरात होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी को आगाह कर दिया। बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा, चैलेंजेस से निमटने के लिए 2030 तक 6,800 अरब डॉलर की जरूरत है। खसूसी फंड मुख्तस किए जाएं, तरक्की पजीर ममालिक मुश्किलात का शिकार, अमीर मुल्कों को मदद के लिए आगे आना होगा। अक्वामे मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क पर चलना नागुजीर है। पाकिस्तान 2 बदतरीन सैलाब की तबाहकारियां भुगत रहा है, अब तक नुकसान से बाहर नहीं निकल सके। आलमी ताकतें अपने वादे पूरे करें। तकरीब से खिताब में मजीद कहा, ग्लेशियर्स पीने के पानी का बड़ा जरिया है, मुस्तकबिल में आबी जखायर का तहफ्फुज़ करना होगा। बाकू में वजीर आजम की डेनमार्क की वजीर आजम से मुलाकात, बाहमी ताबुन के फरोग का अयादा। मौसमियाती तब्दीलियों पर आलमी इतफाक राय पैदा करने की जरूरत पर जोर। शहबाज शरीफ की जमहूरिया चेक के हमनसब से भी मुलाकात, इक्तसादी तरक्की के लिए तजारती ताल्लुकात को वुस्सत देने पर इतफाक। स्मोक का मसला रातों रात हल नहीं हो सकता, चंद बरस में सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। वजीर अला मरियम नवाज पर उम्मीद, कहा 6-7 साल बाद पाकिस्तान में अब दोबारा तरक्की आ रही है, एयर पंजाब पर संजीदगी से सोच विचार कर रहे हैं। पंजाब में फजाई आलूदगी खतरनाक हदों को छूने लगी, स्मोक के बाय सूबे के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस 17 नवंबर तक बंद, अकेडमी ट्यूशन सेंटर्स भी नहीं खुलेंगे। क्लासेस ऑनलाइन लेने का हुक्म, सरकारी और निजी दफातर के 50% अमले को वर्क फ्रॉम होम का हुक्म। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सरे फहरिस्त, फैसलाबाद गुजरावाला मुल्तान भावलपुर और दीगर शहरों की फजा जहर आलूद, सांस गले और नमोनिया के मरीजों में इजाफा, एसओपीज की खिलाफ वर्जियां, मास्क की पाबंदी नजरअंदाज। खैबर पख्तूनख्वा पर भी स्मोक की यलगार, पिशावर नौशहरा और मर्दान में शरह बढ़ गई, मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, ट्रेन की आमदरफ्त में भी ताखीर। लाहौर हाईकोर्ट स्मोक से निमटने के लिए पंजाब हुकूमत के इकदाम की मोतरफ, जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, मौजूदा सूबाई हुकूमत ने माजी के बरक्स बेहतर काम किया, विफाक को भी ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। हुकूमत के काम में मुदाखलत नहीं करना चाहते, कोई ऑर्डर जारी नहीं करेंगे। 10 साल की पॉलिसी बनाने की तजवीज, आइंदा साल नवम्बर दिसंबर जनवरी में शादी हाउस बंद करने का प्लान बना रही है। एडवोकेट जनरल का लाहौर हाईकोर्ट में बयान, शादी का सिर्फ एक फंक्शन हो, कानून बनाना चाहिए। अदालत के रिमार्क्स।